हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट यूनिट लेने जा रही हैं इंग्लिश लिटरेचर NTA UGC नेट की, ठीक है? तो जिसमें हम बेसिकली जो अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। ओके, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ये बेसिकली नाइन्थ यूनिट है इंग्लिश लिटरेचर NTA UGC नेट की। तो इसमें जैसा कि नाम मेंशन है, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, तो विश्व युद्ध सेकेंड के बाद या विश्व युद्ध सेकेंड के आसपास, यानी कि 1940s के आसपास, उससे थोड़ा सा पहले एंड उसके बाद जो भी लिटरेचर में थ्योरीज आई हैं, जो भी लिटरेरी थ्योरीज हैं, वो सारी हम इसमें दोस्तों एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है? तो वर्ल्ड वॉर टू हमारा 1940s के अराउंड आया था, उसके आसपास, उससे थोड़ा सा पहले या उसके बाद जो भी लिटरेचर की थ्योरीज हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि हमने इसमें क्या करना है। सेकेंड नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली हमारी जो यूनिट नंबर 7 है, 8th है और 9th है, ठीक है, ये हमारे पेपर में जब एग्ज़ाम पड़ता है, ये हमारे पेपर में सेकेंड मेजर रोल प्ले करते हैं कंबाइंड लेवल पे, जिनसे एग्ज़ाम में पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो जो आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट है, पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, इनसे आपका मेजर पोर्शन रहता है पेपर का, मतलब 35 to 45%। एंड उसके बाद जो सेकंड मेजर पोर्शन है वो कंबाइंड लेवल पे इन यूनिट का रहता है, 7th, 8th एंड 9th, ठीक है? 7th में दोस्तों हमारी जो यूनिट है, डैट इज़ कल्चरल स्टडी। 8th में जो हमारी यूनिट है, डैट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और 9th इज समथिंग जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है? आपको पता है जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म इकट्ठी ही यूनिट थी, ठीक है? जिसमें ऑटोमेटिकली ये हमारी जो 8th यूनिट है क्रिटिसिज्म वाली, ये भी आती थी, जो 9th यूनिट है थ्योरी वाली, ये भी आती थी, और जो 7th यूनिट है कल्चर स्टडी वाली, ये भी आती थी। तो जो पुराने सिलेबस में ये एक ही यूनिट के नाम से था, पर अब ना उसी को ही अलग अलग यूनिट में मॉडिफाई कर दिया गया है, बांट दिया गया है 7, 8, 9। तो क्या होता है ना, एक ही यूनिट में कोई चीज़ आ रही है तो वेटेज समहाउ एग्ज़ाम में ठीक ठाक रहती है, पर जब आप उसी एक यूनिट की 3 यूनिट बना रहे हो और सिलेबस में डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो बढ़ जाती है। और वही अभी हाल ही के एग्ज़ाम के पैटर्न में हुआ है, ठीक है? तो पहली 4 यूनिट करने के बाद अगर आप ये नेक्स्ट नंबर पे 7th, 8th और 9th यूनिट कर लेते हैं, तो आपका मेजर पेपर क्लियर हो जाता है। जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से आपके 35 से 45 प्रश्न रहते हैं, और 7th, 8th, 9th से आपके जो है 25 to 35 प्रश्न रहते हैं। तो ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, पर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, ये मैं एवरेज लेवल पे आपको कह रही हूँ। और इन 25 से 35 प्रश्न में 7th, 8th और 9th तीनों यूनिट को मैं कंबाइंड लेवल पे कह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसी एक यूनिट से पढ़ेंगे, मैं कंबाइंड लेवल पे कह रही हूँ, ठीक है? तो सही स्ट्रेटजी एग्ज़ाम में यही होती है कि पहली 4 को समहाउ अच्छे से आप करें, एंड फिर 7th, 8th, 9th को भी आप समहाउ अच्छे से करें। तो ये तो मैंने इंट्रो के तौर पे आपको बताया कि कैसे पहली बात लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में, वर्ल्ड वॉर टू के आसपास एंड उससे थोड़ा पहले उसके बाद की सारी थ्योरीज हैं लिटरेचर को लेकर। सेकेंड नंबर पे कैसे पहले ये एक ही यूनिट का हिस्सा था, है ना, पर अब ये अलग अलग यूनिट्स में आ गया है तो वेटेज समहाउ बढ़ गई है। और मैंने ये भी बता दिया थर्ड नंबर पे सेकेंड हाईएस्ट वेटेज 7th, 8th, 9th यूनिट की कंबाइंड लेवल पे रहती है। फोर्थ नंबर पे मैं ये भी मेंशन कर दूँ, ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही, इट इज़ ऑन एवरेज, इट्स माय एक्सपीरियंस, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट बात आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि इस यूनिट के तहत
बेसिकली हम बहुत सारी थ्योरीज लेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम डाडाइज्म लेंगे, वी विल टेक लॉट्स ऑफ थ्योरीज, एक्सप्रेशनिज्म, इमेजिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, फेमिनिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, मतलब यू जस्ट काउंट इट, हम बहुत सारी थ्योरीज इसमें लेंगे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, मैं शुरू में ही आपको बता देती हूँ, हर थ्योरी को जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मेरा मेन फोकस होगा कि मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट फाउंडेशन करूँ, यानी कि अच्छे से आपको समझा दूँ कि कौन थ्योरी कब आई, उसके मेन ऑब्जेक्टिव, उसके मेन मकसद क्या थे, वो थ्योरी क्यों बनी, उसका मेन मोटो या उससे जुड़े हुए मेन पर्सन क्या है, किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ा, सो ऑल दीज थिंग्स क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, वो सारा मैं अच्छे से करवाने पे मैं पूरा फोकस करूँगी, है ना। और ध्यान रखना, एक एक पॉइंट जो मैं पढ़ाऊँगी वो एक एक पॉइंट एमसीक्यू होगा जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, अकेला एक पॉइंट भी उठा के प्रश्न में आ सकता है, या जैसे एनटीए में ये चीज़ रहती है, इकट्ठे स्टेटमेंट आ जाते हैं, फिर नीचे आपको पूछते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं, या मिक्स मैच में आ जाते हैं, या क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ जाते हैं, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो मैं एक मजबूत फाउंडेशन आपको दे दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, अच्छे से याद करा दूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, पर नेक्स्ट आप अभी से गांठ बांध लो, इसमें मैं कोई भी थ्योरी करवाऊंगी, जब आपको थ्योरी में कोई भी पर्सन, कोई भी क्रिटिक, या कोई भी वर्क, या कोई भी टर्म, कोई भी थ्योरी, कोई भी सब कॉन्सेप्ट आएगा, उस हर चीज़ को आपने गूगल से जरूर सर्च करना है, ठीक है। गूगल से सर्च का मतलब क्या है, मान लो डाडाइज्म आया, डाडाइज्म को डायरेक्ट गूगल पे डालो तो उसमें बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने हर लिंक का नोट करने लगे फिर तुम पगलाट जाओगे, पगला जाओगे, नहीं, बिल्कुल टॉप पे जो 4 से 5 लाइंस या 2 से 3 लाइन उस टॉपिक पे खुलती है वो आपने जॉट डाउन करनी है, ठीक है। तो क्लास में तो मैं समझा रही हूँ, पूरा करवा रही हूँ, इसको फिर एनटीए लेवल पे कैसे लेकर जाएं कि पैसे भी खर्च ना हो और लिटरली हंसते हंसते कट जाएं आपकी पढ़ाई के रास्ते, एनटीए लेवल की आपकी तैयारी हो जाए, तो कोई भी टर्म, थ्योरी, क्रिटिक, वर्क, कुछ भी आता है आपने उसको साथ साथ में गूगल करना है। जैसे ही आप गूगल करेंगे सारे के सारे लिंक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टॉप पे जो लिंक ओपन होगा उसमें जो भी दिया होगा वो आपने जॉट डाउन कर लेना है, ठीक है। और इसके बारे में एक बार मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में एक सैम्पल लेकर भी आपको बता दूंगी, पर उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको अभी ही इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ कि गूगल से सर्च कैसे करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने अभी ये डाडाइज्म मोमेंट है, तो सबसे पहले मैंने गूगल ओपन कर लिया, ठीक है, गूगल में मैंने डा 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 डाडाइज्म मोमेंट को सर्च कर लिया, इसको टाइप करके मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अभी मैं कर रही हूँ सर्च, जुड़े रहिए, मैं लाइव आपको इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक मिनट दोस्तों, Here are some results. ओहो ओपन हो गया था, एक मिनट जुड़े रहिए। डाडाइज्म, राइट, ओपन डाडाइज्म मैंने किया। अब ये देखो डाडाइज्म पे मैंने जब ओपन किया, बेसिकली डाडा शब्द आया है, यू कैन सी, ठीक है, और ये सारी चीजें आ गई। तो देखो लिखा हुआ है डाडा और डाडाइज्म वॉज एन आर्ट मूवमेंट ऑफ द यूरोपियन एवेंट ग्रांडे ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ये जो सारा ओपन हुआ बस इतना सा आपने नोट करना है, ऊपर मैंने सर्च किया टॉप पे जो, बस इतना सा आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। सो दिस इज लाइक आप कुछ भी सर्च करोगे, ओके, बिल्कुल टॉप पे जो ओपन होगा बस आपने वो नोट डाउन करना है। और इसको भी नोट डाउन करती है बात, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, जैसे इसमें था मूवमेंट ऑफ यूरोपियन अवांट गार्डे, अवांट गार्डे का आपको नहीं मीनिंग पता तो उसको आप अलग से सर्च कर लो, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लास में तो आपको याद हो ही रहा होगा, फाउंडेशन मजबूत हो ही रही होगी और आपका जो पूरी तैयारी है वो नेट लेवल पे हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो मैक्सिमम लर्नर्स को नहीं पता होती है। ये जो आप गूगल से सर्च करते हो और ये जो टॉप पे लाइंस निकलती हैं, यू विल नॉट बिलीव इट, पर इन्हीं लाइन से पेपर में प्रश्न पड़ जाता है, यू विल नॉट बिलीव इट,
एंड ये इन्हीं टॉपिक की स्टेटमेंट से पेपर में प्रश्न डालता है। इसीलिए क्लास में कुछ भी पढ़ाने के बाद आई डू रेकमेंड कि आप उसे गूगल ज़रूर करें और बिल्कुल टॉप पे जो निकलता है उसे ज़रूर जॉट डाउन करें। अब देखो इसमें और क्या था, डाडाइज़म मूवमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी, बहुत सारी जैसे निहिलिस्ट मूवमेंट या कुछ आ गया, तो कोई भी टर्म या कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा उसको भी आपने गूगल करना है। यानी कि इट्स नॉट ओनली कि एक थ्योरी है उसको गूगल कर लिया, उस थ्योरी को करती बार कोई भी टर्म, कोई भी कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट, क्रिटिक या वर्क का नेम आए, आपने सभी को ही गूगल करना है, ठीक है? और बिलीव मी दोस्तों, इससे ऊपर नेट की कोई भी तैयारी नहीं है और बहुत खूबसूरती से आपका ये यूनिट अच्छे से हो जाएगी। तो एक तो है क्लास में करना, जो मैं क्लास में करा रही हूँ, और एक है इसी को फिर गूगल से करना, सिर्फ थ्योरी को नहीं, थ्योरी और उसके अंतर्गत आने वाली सब चीज़ों को। और थर्ड नंबर पे फिर हर यूनिट पे जो भी ये थ्योरीज आ रही हैं आपने इस पे एमसीक्यू भी करनी है, ठीक है? हालांकि ढेर सारे एमसीक्यू मैं भी आपको इस यूनिट के साथ प्रोवाइड कराऊंगी, एक यूनिट वाइज भी एमसीक्यू हैं और एक फर्दर टॉपिक वाइज भी मेरे पास RS मलिक की बुक के एमसीक्यू हैं, मैं वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो जैसे एक ऑथेंटिक एंड एक जेन्युइन मैं कंटेंट आपके सामने ला रही हूँ, इतना सुंदर, कलरफुल, प्रॉपर टॉपिक, सब टॉपिक समझाना, टीचिंग टेक्निक, वैसे ही आपको पता ही है इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलने हैं, तो एमसीक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है? पर क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसको भी आप गूगल करिए, ओके? और जो मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं उसके अलावा भी आपने और एमसीक्यू करने हैं, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, जैसे क्लास में हमने कोई भी चीज़ पढ़ी, आपने उसको गूगल से सर्च किया, मैंने बता दिया बिल्कुल टॉप पे जो खुलेगा बस वो जॉट डाउन करना है, क्लास का पढ़ने के बाद करना है, शुरू में नहीं, क्लास का पढ़ लो, समझ लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, उसके बाद आपने वो करना है, ठीक है? वैसे ही जब एक ओवरऑल थ्योरी हो गई ना, फिर आप उस पर एमसीक्यू सर्च कर लो, एमसीक्यू ऑन डाडाइज्म में, ठीक है? जब मैंने गूगल से इससे संबंधित चीज़ें सर्च करनी थी तब तो कोई भी टॉपिक या सब टॉपिक इस थ्योरी डाडाइज्म में आया, मेरे को सारे देखने थे, ठीक है? वो तो मेरे को गूगल से हर पॉइंट देखना था, पर एमसीक्यू में इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में ओवरऑल यू कैन सिंपली सर्च एमसीक्यू ऑन डाटा इज अ मोमेंट, और अगर एमसीक्यू मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं भी मिलते हैं घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? और एमसीक्यू आपको हर थ्योरी पे 100 से 150 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो एक तो क्लास में पढ़ा, अच्छे से समझा, उसमें जो भी चीज़ आई उसको गूगल से लिखकर जोट डाउन किया, उसके बाद ओवरऑल हर थ्योरी पे एमसीक्यू सर्च किए। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, गूगल से जब टॉपिक को सर्च करना था तब तो मैंने कहा बिल्कुल टॉप पे जो ओपन होगा बस उतना एक लिंक करना है आपने बस, पर एमसीक्यू ना जैसे 100 से 150 प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो उसमें फिर आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल टॉप पे जितने भी लिंक खुलेंगे उसमें सिर्फ इतने लिंक कर लेना कि 100 से 150 एमसीक्यू आपके हो जाएं, बस डेट विल बी सफिशियंट, ठीक है? तो जब टॉपिक सर्च करना है तो बिल्कुल शुरू की वो लाइंस काफ़ी हैं, डेट्स इट, ओके? पर उसमें भी एक थ्योरी नहीं, थ्योरी में जो जो चीज़ें आ रही हैं सभी को सर्च करना है, जोट डाउन करना है। जब एमसीक्यू सर्च करने हैं तो एमसीक्यू में आप सिंपल डालो, जैसे इसमें एमसीक्यू डाटाइज्म, तो टॉप पे जितने भी लिंक खुलेंगे उसमें से इट डिपेंड कि 5 लिंक कर लो, 10 कर लो, जो उसमें पेड लिंक आएंगे वहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसे स्किप कर दो, पर कोशिश करो कि 100 से 150, मतलब 50 MCQ तो एटलीस्ट होने चाहिए और 100 से 150 MCQ आपके पास हो जाएं, और एंड में जो मैंने आपको MCQ दिए हैं हर यूनिट में वो भी कर लो। इसके ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्लास में करना, क्लास में जो किया है उसे गूगल से टॉपिक को जोट डाउन करना जो सबसे ऊपर खुलेंगे, फिर हर टॉपिक पे एमसीक्यू करना 100 से 150, फिर जो मैंने एमसीक्यू दिए हैं वो करना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ओके? आपके पास एक पूरी टॉपोलॉजी आ रही है, पूरी लिस्ट आ रही है थ्योरीज की, राइटर्स की, वर्क की, टर्म्स की, कॉन्सेप्ट की, सब कॉन्सेप्ट की, सब आपके पास आ रहा है। अब फाउंडेशन भी मजबूत आपको मिल रही है, याद भी हो जाएगा, समझ भी हो जाएगा, पर आप अब उस पर कितनी बड़ी मंजिल खड़ी करते हो ना, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो आपके साथ हूँ पर आपको भी साथ निभाना है मेरा, जैसे ताली है ना बेटा, दो हाथों से बजती है ना, एक हाथ से नहीं बज सकती,
वैसे ही एजुकेशन इज आल्सो टू साइड प्रोसेस, टीचर का बेहतरीन पढ़ाना और बच्चे का बेहतरीन पढ़ना, दोनों मिलेंगे आगे बढ़ेंगे तभी अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा। मैं आ रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, पॉजिटिविटी दे रही हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ा रही हूँ, और आप भी आगे आइए और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इट्स नॉट ओनली मी, मैं ये सिर्फ मैं नहीं कहूँगी या आप नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा है। एक्चुअली में जो भी पर्सन किसी भी तैयारी में घुसता है उसको बड़ा ही लगता है, क्योंकि जितना हम जानते जाते हैं उतना और वास्ट होता जाता है कि और जानना है और जानना है। ठीक है, तो सेम थिंग एनटीए में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका लिटरली सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वन इज़ इंग्लिश लिटरेचर एंड वन इज़ लॉ। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको गाइड कर रही हूँ, अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी आप ऐसा ना करें कि मतलब अभी एंड में करेंगे या समथिंग, साथ साथ में करो, साथ साथ में करो, साथ में ही जैसे डाटाइज़म मैंने पढ़ा दिया, साथ में गूगल से देख लो, साथ में एमसीक्यू कर लो। ठीक है, जो हाँ मैंने कंबाइन लेवल पे एमसीक्यू दिए हैं वो आप सबसे एंड में कर सकते हैं, पर जैसे इस मोमेंट को लेकर गूगल से जो भी कंटेंट देखना है, जो भी एमसीक्यू देखने हैं, वो साथ साथ में करके आप अपने नोट्स बना लें। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपके यूनिट में क्या आएगा, कितने प्रश्न आएंगे एंड किस प्रकार से आपने पढ़ना है और एनटीए लेवल तक जाना है। ओके, और बस बेटा यही है, तो इसी नोट पे लेती हूँ मैं अलविदा। और हाँ एक और चीज़, इस यूनिट पे भी अच्छे से कॉपी लगाना, अच्छे से नोट्स बनाना, कुछ क्लास से मिलेगा, कुछ आप गूगल से करोगे, और इवन एमसीक्यू के भी आप उत्तर जो जो आप एमसीक्यू करोगे वहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स मिल गए ना उत्तर के तौर पे, उसको भी आप वन लाइन क्वेश्चन की तरह साथ साथ में नोट कर लो। ठीक है, तो बस बेटा इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। तो अब हमने अपनी पूरी आत्मा इस यूनिट में घुसानी है और इसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे से करना है। हमेशा मैं कहती हूँ बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे, यानी कि जितना बच्चे की तरह पढ़ोगे, प्रॉपर कॉपी लगाना, प्रॉपर कलरफुल पेन लगाना, आप मेरे को ही देख लो, मैंने भी कितना कलरफुल रखा होता है सारा ताकि आपको मज़ा आए। तो आप भी ऐसी तैयारी करो ताकि भगवान को आपकी तैयारी देख के मज़ा आए, और जो डिवाइन समय आप अपनी प्रेपरेशन को दोगे वही डिविनिटी आपको बैक करेगी। और एक और चीज़ भी मैंने कही है कि मेरे पास मैक्सिमम ऐसे लर्नर्स हैं जो हिंदी मीडियम में समझना पसंद करते हैं, तो मैं समझा दूंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, पर ध्यान रखना आपका पेपर नेट में बाईलिंगुअल नहीं होगा, आपका पेपर इंग्लिश भाषा में ही आना है, किसी और भाषा में नहीं होगा। जैसे एनटीए पेपर वन हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, इसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो आपकी ना रीडिंग हैबिट इंग्लिश में होनी चाहिए, कई बार आपको प्रश्न का उत्तर आता है पर आपको जो आगे सेंटेंस लिखा है उसमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता ना, तो आपको ओवरऑल प्रश्न नहीं समझ आएगा और आप उत्तर नहीं दे पाओगे। तो उन चीज़ों को समझने में, उस लेवल तक पहुंचाने में, ये जो मैं बोल रही हूँ गूगल से देखना और ये जो मैं बोल रही हूँ एमसीक्यू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब से ना जो जो टॉपिक मैं कराऊंगी उसको गूगल से देख लेना और एमसीक्यू कर लेना, फिर जब पूरे यूनिट के सारे टॉपिक हो जाएंगे तो एंड में आप वो एमसीक्यू कर सकते हो जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा, और ध्यान रखना मैं बार बार वापस बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कहीं भी कुछ स्किप ना हो जाए, क्योंकि आई ऑलवेज से सिर्फ वो मैटर नहीं करता है जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ, उसके बराबर या उससे भी ज़्यादा मैटर करता है जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि करना कैसे है, कैसे इसी तैयारी को, इसी फाउंडेशन को एनटीए लेवल तक कैसे पहुँचाना है। सो डू रिमेम्बर माई वर्ड्स, इसको उसको साथ में, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग, टेक केयर।